अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं कि जो लगभग सभी लोगों के साथ ये चीज हुई होगी। आप घूमने जाते ही हैं और होटल में आप रुकते भी हैं। अक्सर आजकल जितने भी होटल्स होते हैं वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता ही है। ऐसी ही एक घटना है, मैं पत्नी के साथ होटल में रुका हुआ था। सुबह 10 बजे मैं नाश्ता करने गया, क्योंकि नाश्ते का समय 10:30 तक होता है, इसलिए होटल वालों ने बताया कि जिसे भी जो कुछ लेना है वो 10:30 बजे तक ले ले, उसके बाद बुफे को बंद कर दिया जाएगा। कोई भी आदमी नाश्ते में क्या और कितना खा सकता है, पर क्योंकि नाश्ताबंदी का फरमान आ चुका था इसलिए मैंने देखा कि लोग फटाफट अपनी कुर्सी से उठे। कोई पूरी प्लेट भर कर ला रहा है, कोई ऑमलेट का ऑर्डर कर रहा है, कोई इडली डोसा उठा लाया, तो एक दो आदमी तो 2-3 ग्लास जूस के उठा लाए, कोई बहुत से टोस्ट प्लेट में भर के ले आए, साथ में शहद मक्खन सरसों की सॉस भी। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर ये सब देखता रहा। एक दो माएं अपने बच्चों के मुंह में खाना ठूंस रही थीं, कह रही थीं कि फटाफट खा लो अब ये रेस्तरां बंद हो जाएगा। जो लोग होटल में ठहरते हैं आमतौर पर उनके लिए नाश्ता मुफ्त होता है, मतलब होटल के किराए में सुबह का नाश्ता शामिल होता है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा कि वो कोशिश करते हैं कि सुबह देर से नाश्ता करें और थोड़ा ज्यादा खा लें ताकि दोपहर के खाने का भी काम इसी से चल जाए। कई लोग इसलिए भी अधिक खा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुफ्त का है, तो अधिक से अधिक लेने में कोई बुराई नहीं। कई लोग तो जानते हैं कि वो इतना नहीं खा सकते, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जुटा लेते हैं कि कहीं कम ना पड़ जाए। दरअसल हर शख्स अपनी खुराक पहचानता है, वो जानता है कि वो इतना ही खा सकता है, पर वो लालच में फंसकर जरूरत से अधिक जुटा लेता है। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी से सब देख रहा था। 10:30 बज गए, वो रेस्तरां बंद हो चुका था, लोग बैठे थे, टेबल पर खूब सारी चीजें उन्होंने जमा कर ली थी, पर अब उनसे खाया नहीं जा रहा था। कोई भला 2-3 ग्लास जूस कैसे पी सकता है, ऊपर से 4 ऑमलेट, बहुत सारे टोस्ट, कई बच्चे माँ से झगड़ रहे थे कि उन्हें अब नहीं खाना। माएँ भी खाकर और खिलाकर थक चुकी थीं, और अंत में एक एक कर सभी लोग अपने टेबल पर नाश्ता छोड़कर धीरे धीरे निकलते चले गए। मतलब इतना सारा जूस, फल, अंडे, ब्रेड सब बेकार। दोस्तों यही जिंदगी है, हम सब अपनी भूख से अधिक जुटाने में लगे हैं। हम सभी जानते हैं कि अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे भी इसे भोग नहीं पाएंगे, पर हम अपनी अपनी टेबल पर जरूरत से अधिक जुटाते हैं। और जब हम जुटाते हैं हम इतने अज्ञानी नहीं होते कि हम नहीं जानते कि हम इन्हें पूरी तरह नहीं खा पाएंगे। हम जानते हैं कि हम इन्हें छोड़कर दबे पांव शर्माते हुए रेस्तरां से बाहर निकल जाएंगे, सब कुछ टेबल पर छोड़कर। उतना ही जमा कीजिए जितने की आपको सचमुच जरूरत है। ये दुनिया एक रेस्तरां है, कोई इस रेस्तरां में सदा के लिए नहीं बैठ सकता, कोई इस रेस्तरां में लगातार नहीं खा सकता। सबके खाने की सीमा होती है, रेस्तरां में सबके रहने की भी अवधि तय है। उतना ही लीजिए जिसमें आपको आनंद आए, उतना ही जुटाइए जितने से आपकी जरूरत पूरी हो सके, बाकी सब यहीं छूट जाता है, चाहे नाश्ता हो या कुछ और। हम में से बहुत से लोग संसार रूपी रेस्तरां से बहुत से लोगों को टेबल पर ढेर सारी चीजें छोड़कर जाते हुए देखते हैं, पर फिर भी नहीं समझते कि हमें कितने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हम भी सब छोड़ जाएंगे, लेकिन जुटाने के चक्कर में जो है हम उसका स्वाद लेना भी छोड़ देते हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा।